गुड मॉर्निंग। सुबह के 6 बजे हैं और दिन की शुरुआत हो गई है। फ्रेश व्रेश होकर के अब आ गया बाहर की तरफ देखने के लिए। देखो मेरे साथ कशफ है और ये पीछे जो है ना टंकी बनाने के लिए गड्ढा किया गया है। तो बेसिकली ये पीछे और पीछे उस साइड की तरफ उधर एक टंकी होता था जो कुआं टाइप का, जो टंकी पुराने ज़माने में होता था वैसा ही था, लेकिन अब चूंकि यहाँ रेगुलर यूज़ हो रहा है तो अब ज़रूरत आ गई है कि एक टंकी बनाया जाए। देखो टंकी से कितना सारा मिट्टी निकला है, ये यहाँ जमा है, उसके बाद उधर चारों तरफ ये सारा भर दिया है और उसको भरने के लिए ये देखो बालू गिट्टी और सब कुछ सारा मटेरियल आ गया है और उधर पीछे ईंट भी है। क्या हो गया कशु, क्या हो गया, इधर बताओ क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हुआ, क्यों रो रही हो, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बदमाशी करना है सिर्फ, क्या हुआ बताओ। गोदी में आना है, गोदी में बड़ा बड़ा बोल के, छोटा बड़ा बोल के, बड़ा बड़ा बोल के, बड़ा बड़ा बोल के। तो इतना सारा मुर्गी का नाम जानती हो तुम? ये कौन सा मुर्गी है, ब्राउन वाला मुर्गी, वो ब्लैक वाला मुर्गी है ना, सारा कलर तुम जान गई हो है ना? नहीं, वो वाइट, वो ब्राउन, वो ब्लैक, हाँ? वो वाइट वाला तो उसका बच्चा है ना, वो वहाँ जो है वाइट कलर का, हाँ इसका बच्चा है, हाँ है ना, ये भी वाइट है, ये भी वाइट है, ये भी ये ब्राउन है ना, ये ब्राउन है, ये ब्राउन। हाँ। क्या बोल रहा है, क्या कौन वहाँ कौन ता है बताओ तो ये किसने बोला? मुर्गा। मुर्गा ऐसे बोलता है क्या बेटा? हाँ। और बकरी कैसे बोलती है? कौन बकरी? मुर्गा तो भाग गया। अच्छा है तो कौन? वहाँ दीवार के ऊपर, हाँ देखा ना तुमने। हाँ। और बकरी कैसे बोलती है? मैं। बकरी है ना, वहाँ गेट के पास है। हाँ। गेट के पास है ना। हाँ, ब्लैक वाला बकरी। ब्लैक वाला है ना। हाँ, अच्छा ब्लैक वाला बकरी का छाद, ब्लैक वाला बकरी का बच्चा है ना? नहीं, वो तो छोटा हो गया है। हाँ छोटा है, बच्चा है ना। हाँ बच्चा है ना। हाँ इसका बच्चा वो है। हाँ इसका बच्चा वो है। हाँ बेटा, कल तुम लोग उस वाले टंकी में खूब मस्ती कर रहे थे ना, क्या क्या कर रहे थे? ऐसे गिर गए थे, नीचे चली गई थी और वहाँ कूद रही थी। हाँ। कौन कौन, तुम और नफीसा फुफू? हाँ, नफीसा फुफू। अरे बहुत मजा किया था तुम लोगों ने ना। हाँ। वाओ। वो पीछे ना। हाँ। वहाँ गड्ढा जो हुआ है उसमें ना। ओके। वो आदमी सब कलाए जो, हाँ अंकल लोग किए थे ना, अंकल लोग किया था। हाँ। और सारा मिट्टी कहाँ लाके फेंका था उन लोगों ने? यहाँ लाया था ये सारा मिट्टी है ना।
ये सारा इतना सारा जमा कर दिया है ना? हाँ, ये तला, ये तला, ये तला। अच्छा, और बेटू, और वो ट्रैक्टर आया था कल ना? हाँ। तो ट्रैक्टर ने क्या किया? इसको फेंक दिया, इसको फेंक दिया। अच्छा, ये ऐसे करके फेंक दिया था, ये गिट्टी सारा? हाँ। ये गिट्टी फेंक दिया था और ये बालू भी फेंक दिया था, है ना? हाँ। कैसे फेंका था? ऐसे उलट पुलट के। ऐसे? अच्छा, ट्रैक्टर को ऐसे उठा करके उलट पुलट करके फेंक दिया था, है ना? ऐसे ये फेंक दिया। हाँ, ऐसे। ओके। Been cold for so long. One touch and we're igniting, setting fire to it all. You know. ये देखो, उस दिन मैंने दिखाया था, पिछले वीडियो में आपने देखा था कि वो जो छेद किया हुआ था उस पेड़ में, तो ये वही चिड़िया है। मैंने बोला था पौधे जैसा चिड़िया है, ये बच्चों ने इसको गुलेल से मारा है। हालांकि उसका तो ब्रीडिंग हो रहा है, तो ये ठीक हो जाएगा। बच्चे इसको पालने के लिए शायद लेके जाएंगे। बहुत प्यारा सा लग रहा है, इसकी चोंच बहुत मजबूत है। हालांकि किसी भी चिड़िए को मारना या पकड़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैंने बच्चों को बोला भी कि ऐसा मत किया करो। जिस तरह चिड़िए के चोंच से जो ब्लीडिंग आ रही थी, तो बहुत ख़राब लग रहा था। तो एनीवे, मैंने बच्चों को बोला है, लेकिन बच्चे हैं, कहाँ मानने वाले हैं। तो वो गुलेल लेकर घूमते रहते हैं कुछ बच्चे, और वो ऐसे ही मारते हैं। तो बस आपको दिखाया कि कैसा होता है, ब्लीडिंग निकलने लगता है, या बहुत बार तो गुलेल से मारने पर वो जो है मर भी जाते हैं। तो ठीक नहीं है ये। गुड मॉर्निंग, आज 14th of April है और आज पहला रमज़ान है। आप सबको रमज़ान मुबारक, सारे लोग को, जितने भी व्यूअर्स हैं सबको, आज़िम्स ब्लॉग फैमिली की तरफ से, आज़िम की तरफ से आप सबको रमज़ान मुबारक। चलो दोस्तों, आज का ब्लॉग करते हैं यहीं ख़त्म। मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छा लग रहा है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और पसंद आ रहा है तो लाइक करना मत भूलो यार। चलो, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।